बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल डिज़ाइन। इन दिस वीडियो वी जस्ट स्टार्ट यूजिंग पेन टूल। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो यहाँ पर पॉलीगॉन टूल है और यहाँ पर लाइन टूल है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसका एक सिंपल मैंने एग्जाम्पल भी बताई थी बना के ट्रैवल एप्लीकेशन की। तो आज हम जो टूल यूज़ करने लगे हैं वो है पेन टूल, जो यहाँ नज़र आ रही है। सिंपल सी, बहुत सिंपल टूल है, बहुत अच्छी टूल है। सिंपल इसलिए कि बहुत सारे डिज़ाइन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लाइक वेव्स की तरह, या कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो आप नेट से देखते हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टूल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इस आर्ट बोर्ड को मैंने यहाँ पर जो आईफोन लिखा है, मैं जूम करके दिखाऊँ, ये लिखा है आईफोन, उसका मॉडल, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं आर दबा के इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है जी, ड्रैग किया, आर दबा के मैंने ड्रैग किया माउस से, तो इसकी कॉपी बन गई। छोटा सा ट्रिक है ये, किसी भी आर्ट बोर्ड की कॉपी बनानी हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आर दबाना है और इसकी कॉपी बना लेनी। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी बना ली। इसको मैं सिंपली यहाँ से चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। तो ठीक है जी, मैंने डिलीट कर दिया सबको। ठीक है, मैंने अपना आर्ट बोर्ड साफ कर लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ। ठीक है जी, पेन टूल ले ली। अच्छा, पेन टूल पर क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से एक्टिव हो जाती है। किस कलर का आपने लेना है ये देखें, जिस तरह ये अभी आर्ट बोर्ड हमारा सिलेक्टेड है, जिस तरह का आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड आप करना चाहते हैं, व्हाइट रखना चाहते हैं, जिस तरह भी रखना चाहते हैं उस तरह रख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ पेन टूल को, क्लिक करके यहाँ मैंने क्लिक किया, देखें एक छोटा सा डॉट बन गया। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ इसको, तो ये छोटा सा डॉट बन गया। यहाँ मैंने सिंपली क्लिक किया, अगेन क्लिक, और ये मैंने सिंपल, इससे सिंपली कोई भी शेप बना सकते हैं। देखें एक शेप क्रिएट होगी। जैसे मैं फिल पे क्लिक करता हूँ उसको, मैं बर्तन में देखें, इसने शेप क्रिएट कर दी। तो इसका ये फायदा है कि आप कोई भी शेप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ मूव अगेन, सिंपली आई अगेन क्लिक पेन टूल एंड क्लिक ए पॉइंट एंड अगेन, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, साथ ही मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, मैंने ड्रैग कर दिया। तो देखें इसने एक वेव या कर्व क्रिएट कर दी। ठीक है, अगेन जब मैं माउस क्लिक छोड़ दिया, देखें आप वहीं पर ही पाथ, उसके जो बैकग्राउंड से पाथ आ रहा है उसी को वो रेफरेंस लेके अगला पाथ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखा हुआ है या आपने यूज़ किया हुआ है, तो उसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है। अगेन मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं फॉर ऐसे मैं क्लिक करके ट्रैक करता हूँ तो ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं इसी पाथ के अंदर एक और एंकर पॉइंट ऐड कर दूँ और इस कर्व को मैं थोड़ा स्ट्रेट कर दूँ, तो देखिए मैं क्लिक किया, सिंपली उसे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करके ट्रैक करूँगा कहीं पर भी ट्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि इसके जो हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे आपको एंड पे, अगर मैं थोड़ा सा जूम इसका फोकस करके दिखाऊँ आपको, ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस हैंडल्स को मैं किसी भी हैंडल को पकड़ के मैं जैसे ड्रैग करता हूँ, देखें ये वन साइडेड एंगल को ड्रैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा तो ये चीज़ इसको ड्रैग करेगी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करता हूँ और मैं आर दबा के, देखें आर दबाने से भी ये क्या कर रही है, इस चीज़ को हैंडल कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन इस पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसी एंकर पॉइंट को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, सॉरी यहाँ क्लिक हो गया। ठीक है, जैसे मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये जैसे डबल क्लिक किया, तो उसने उसकी शेप को दोबारा जो रेफरेंस शेप थी उसमें कन्वर्ट कर दी। ठीक है, दोबारा अगेन मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ दोबारा से अपनी जगह पर आ जाती है। ठीक है, अगर हमने इसके हैंडल्स ओपन करने हों, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके हैंडल ओपन कर देने चाहिए। इसको पाथ पे हमने पेन टूल सेलेक्ट की, पाथ पे क्लिक किया, फाइल से हाँ ये, हाँ ये देखें पाथ मैंने जैसे क्लिक किया, देखें इसने क्या किया, यहाँ से पाथ को ओपन कर दिया। सो ये अभी तक हमारी थी पेन टूल से रिलेटेड जो भी काम था वो हम लोग कर रहे थे। अब मैंने एक रेफरेंस इमेज ली है नेट से, तो मेन जो टेस्ट पार्ट ये था कि हमने रेफरेंस इमेज लेके उसको जो रेफरेंस इमेज में बना हुआ है वो हम लोग पेन टूल से बनाएंगे। वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट।
सो यहाँ तक मैंने देखे सिंपली एक रेफरेंस इमेज लेके इस लेआउट को बना लिया। तो यहाँ तक जो हमारी वीडियो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो सिंपल जो मैंने इसका टूल का यूज़ बताना था आपको, आप जिस तरह मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो आपके सारे जो कोर्स में टूल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग एक रेफरेंस इमेज लेंगे, फुल लेआउट लेंगे रेफरेंस, उसको कंप्लीट बना के मैं आपको दिखाऊंगा उस फुल एपिसोड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट टूल को देखेंगे और इसी लेआउट के ऊपर मैं आपको टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, और ये ऊपर एरोप्लेन का निशान है, इसके अलावा साइन अप का बटन है, ये मैं आपको कंप्लीट बना के दूंगा। जो हमारा प्रीवियस डिज़ाइन है ये ट्रेवलिंग पास, इसको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, एडिट करेंगे टेक्स्ट के लिहाज से, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।